कैसे हैं आप सब लोग गाइस। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली रियली वेल। एंड आज हम लोग अपनी सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं इंटीग्रेशन के PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लास 12th के लिए। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। ऑब्वियसली आप जानते ही हैं मैं करा रहा हूँ आदित्य बंसल। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। ओके सो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आज आपको इस लेक्चर को अच्छे से करने के लिए क्या क्या थ्योरी की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि अगर आप ने थोड़ा रिवाइज भी करना है तो आप साइड बाय साइड कर सकें। तो आज के में ज़्यादा आपको ब्रेन चलाना है। जो फॉर्मूला बेस्ड है वो नेक्स्ट लेक्चर से आने वाला है, जब आपको फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² बोला जाएगा dx। तो ये जो टाइप के फॉर्मूलाज आएंगे ये आपके नेक्स्ट लेक्चर से आ रहे होंगे। आज आपको ज़्यादा ब्रेन और आपको सब्सटीट्यूशन का काम हो जाएगा। ओके सब्सटीट्यूशन, तो आज आपको ज़्यादा ज़्यादा सब्सटीट्यूशन का काम है। और बस यही है, आज आपको ज़्यादा थ्योरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। सो व्हाट यू से, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 तक कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे आई बटन पे यहाँ पे कहीं आएगा तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। बट आप ये लेक्चर पहले देख लीजिए, बिकॉज मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है, मैं सारा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके सो हम लोग स्टार्ट करते हैं बस। सो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है क्वेश्चन? इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin θ - 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा डिवाइड बाई 5 cos θ - 4 sin θ। ओके ये क्वेश्चन आया था दिल्ली के अंदर, जब बोर्ड दिल्ली एंड ऑल इंडिया में अलग हुआ करते थे। नेवर द लेस अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी ज़्यादा चिल्ली से ट्राई करते हैं। ओके सबसे पहले तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि हमें यह जो ब्रैकेट है ऊपर, इसे ओपन कर लेना चाहिए। कैसे लाइक हमें क्या बनाने के, इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ आप लोग को अगर ना दिख रहा हो, इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin θ cos θ - 2 cos θ अपॉन जो भी हमारा डिनोमिनेटर है dx। अब यहाँ पे माइनस साइन के अबाउट मैं इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लूँगा तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये 3 है इसको मैं बाहर निकाल लूँगा। आप करके देखेंगे अपने हाथ से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय जो भी डिनोमिनेटर है, लिखने रहा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये जो 2 है ये कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा dx डिवाइड बाय जो भी हमारा डिनोमिनेटर है। ओके अब मैं डिनोमिनेटर को यहीं से यूज़ कर लूँगा, बिकॉज ऑब्वियसली बार बार लिखूंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम एंड स्पेस दोनों लगने वाला है। अब आई विल रिप्रेजेंट, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा गाइस। तो मैं अब यहाँ से इसको येलो में सॉल्व करूँगा एंड इस वाले को ऑरेंज में सॉल्व कर लूँगा। ओके फ़र्क दिख नहीं रहा होगा बट चेक कर, बाकी येलो से सॉल्व करते पहले इस वाले इंटीग्रेशन को। सो हमारा क्या है, 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पे हमें दिख जाता है, ये रहा डिनोमिनेटर। ओके सो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, देखिए जहाँ पे आपको साइन थीटा कॉस थीटा दिखे वहाँ पे आप क्या एक थिंकिंग लगा सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप साइन स्क्वायर थीटा को टी रख सकते हैं, जिससे कि जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 sin θ cos θ डी थीटा आपका डी टी बन जाएगा। तो आप इसे बाद में यूज़ कर पाएंगे, वेरी गुड। ओके डी एक्स नहीं है सॉरी, डी थीटा है ऑब्वियसली, या तो आपने देख लिया होगा डी थीटा एंड डी थीटा फाइन। तो हम लोग पहले ये कर लेते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन को हम यहाँ पे पुट प्लग इन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो हमारा आ जाने वाला है बाहर 3 है तो बाहर 3/2 हो जाएगा। आई जस्ट रब एवरीथिंग ऑफ, सब खुद आया था बिकॉज अब हमें पता है हमें क्या करना है। सो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 बिकॉज 1/2 हमारा बाहर आ जाएगा जो हमने डिफरेंशियल बनाया था उससे, 3/2 एंड अंदर क्या बच जाएगा हमारा, डी टी अपॉन 4 + t - 4√t। ओके गाइस सो अब ये यहाँ पे जो आता है सबसे मेन स्टेप है इस पूरे
इंटीग्रेशन का, स्पेशली ये वाले। तो यहाँ पे आपको क्या दिखना चाहिए, यहाँ पे आपको दिखना चाहिए कि जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है इट इज एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ 3/2, तो ऑब्वियसली रहेगा ही dt डिवाइड बाय, ये है हमारा रूट टी माइनस टू का स्क्वायर। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप बैक जाके चेक कर सकते हैं इसको एक्सपैंड करके, रूट टी माइनस टू का होल स्क्वायर। ओके, अब आप क्या करेंगे, अब हम इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ जिससे कि हमें काफ़ी इजीली समझ में आए। तो हमारा क्या आ रहा था, इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 यहाँ पे था dt अपॉन रूट टी माइनस टू का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब जो पूरा डिनोमिनेटर है इसको मैं यू इलेट कर लूँगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं सब्सटीट्यूशन, रूट टी माइनस टू इज इक्वल टू यू, तो हमारा क्या हो गया, 1/2 रूट टी डी टी इज इक्वल टू डी यू। ओके, वेरी वेल। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, रूट टी इज इक्वल टू यू प्लस टू, वेरी नाइस। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे इस जो भी हमने यहाँ पे किया है सब्सटीट्यूशन में, इसे यहाँ पे हम प्लग इन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 तो ऑब्वियसली हमारा बाहर रहने ही वाला है, तो क्या बन जाएगा हमारा, जी हमारा बन जाएगा u प्लस टू डिवाइड बाय यू स्क्वायर डी यू। चेक कर लीजिए इसे, आई गिव 5 सेकेंड्स। अब बहुत ईजी हो गया, अब इसे प्लस के अबाउट इसे ब्रेक कर लेंगे तो अब ओरली करते हैं इसे, u अपॉन यू स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/u इंटीग्रेशन ऑफ 1/u डी यू प्लस 2/u स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 2/u स्क्वायर, वेरी वेल। तो 1/u का क्या होता है हमारा, 3/2 ln u, राइट, ln u प्लस 1/1 स्क्वायर का क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन, -1/x। तो यहाँ पे सबसे पहले तो प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, 1/u प्लस सी, तो हमारा ऑब्वियसली यहाँ पे आने ही वाला है। ओके, सो अब u हमारा हो गया, अब u की जगह हम क्या करने वाले हैं, u की जगह हम डालेंगे रूट टी माइनस टू एंड रूट टी की जगह हम लोग डालेंगे साइन स्क्वायर। तो हमारा फाइनली फाइनली आंसर क्या आने वाला है, 3/2 एंड लॉग साइन थीटा माइनस टू माइनस टू अपॉन साइन थीटा माइनस टू प्लस कॉन्स्टेंट। आई होप यही आ रहा है, लेट्स जस्ट चेक इट फॉर 5 सेकेंड्स। जी हाँ गाइस, यही हमारा फाइनल आंसर आ रहा है इस इंटीग्रल का जो हमने यहाँ पे किया था, ये वाला इंटीग्रल का आंसर फाइनली ये आ रहा है जो बड़ी सी क्वांटिटी है ये। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन था ये, एंड अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें इंक चेंज करके ये वाला इंटीग्रेशन भी अभी हमें करना है। ओके, सो करते हैं, एंड मुझे यहाँ पे जगह तो दिख नहीं रही है गाइस, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चलते हैं एंड लिखते हैं क्या है हमारा। तो हमारा दूसरा इंटीग्रल था इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डिवाइड बाय 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 4 साइन थीटा। तो ये हमारा इंटीग्रल था डी थीटा, तो ऑब्वियसली हमारा था ही। अब देखिए इसको थोड़ा करने की कोशिश करते हैं, ये वाला तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, ये वाला तो बहुत ज़्यादा इजी है। आप जैसे साइन थीटा को टी रख दीजिए और ये कॉस थीटा डी थीटा पूरा चला जाएगा सर, डिशन में करके दिखा देता हूँ। साइन थीटा को आप टी रख दीजिए तो कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। और देखिए ये कॉस थीटा डी थीटा कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो ये पूरा डी टी हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी टी डिवाइड बाय अब क्या हो जाएगा, 4 + t² - 4t। एंड ये देखने से तो मुझे टी माइनस टू का होल स्क्वायर लग रहा है, जी हाँ बिल्कुल, और डी टी डिवाइड बाई टी माइनस टू का होल स्क्वायर, टी माइनस टू का होल स्क्वायर, जी हाँ। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं जब x को लीनियर से रिप्लेस किया जाता है तो हम वही कर देते हैं, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या देगा, -1/t - 2 और डिवाइडेड बाय 1/1,
बिकॉज कोएफिशिएंट इसका 1 था, तो करें ना करें वो बराबर है, बट फॉर अ प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं इसे। तो अब हमें क्या नोटिस करना है कि ये पूरी चीज प्लस ये पूरी चीज जो हमारी आई थी, ये हमारा हमें आंसर देने वाली है। ओके सो ये काफी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो गया था इधर, कोई बात नहीं, अगले वाले थोड़े छोटे होने वाले हैं, फील आ रही है ऐसे। हाँ सो दिस प्लस दिस आप आंसर में लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। काफी ज्यादा लंबा हो गया क्वेश्चन, चलिए सब कुछ रब कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी हमें थोड़ी स्पेस चाहिए कि। सो आपको आई होप समझ में आ गया हो, आप रिकॉर्डिंग दोबारा भी देख सकते हैं। राइट तो हमने 23rd क्वेश्चन कर लिया है, अब हम करेंगे 24th क्वेश्चन, चलिए। एंड ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ये काफ़ी डुएबल, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस ए डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। तो देखिए आपको बस ये x प्लस है ऊपर बनाना है। अब मुझे x माइनस ए में, जो x माइनस ए में x प्लस ए बनाना है, तो मैं x प्लस ए लिख देता हूँ और x माइनस ए करने के लिए माइनस टू ए कर देता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ पूरे को ये चीज करते हैं, इंटीग्रल ऑफ साइन x प्लस ए माइनस टू ए डिवाइड बाई साइन x प्लस ए डी एक्स। अब देखिए इसको एक क्वांटिटी मानेंगे, इसको एक क्वांटिटी, और ये तो पूरी ऑब्वियसली है, ये क्वांटिटी डिनोमिनेटर में। तो अब साइन ए माइनस बी का आप फॉर्मूला लगा दीजिए, मैं लगा रहा हूँ बिकॉज आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री आती होगी। तो क्या होने वाला है हमारा, साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस टू ए माइनस कॉस एक्स प्लस ए साइन टू ए डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस ए। जी हाँ, तब इस माइनस के बाद इंटीग्रेशन को हम लोग ब्रेक कर लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन खेलते हैं, हमारा जगह इंटीग्रल ऑफ कॉस टू ए डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ ओके साइन टू ए कॉस टू ए कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस ए डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। ओके अब देखिए ये कॉस एक्स कॉस टू ए क्या है, हमारा कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स होता है, तो एक्स कॉस टू ए माइनस ये साइन टू भी माइनस बाहर आ जाएगा साइन टू ए एंड कॉस एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए क्या हो जाएगा कॉट एक्स प्लस ए एंड कर सकते हैं उसे कॉट का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है एल एन मॉड साइन साइन थीटा। तो हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस ए और प्लस सी तो हम लोग लगाएंगे ही लगाएंगे। ये हमारा फाइनल क्या आ गया आंसर आ गया, देख लीजिए जैसे 5 सेकेंड दे रहा हूँ। ऑल राइट चलिए रैप करते हैं सर, ऐसे भी 23-24 हमारे हो गए, 25 करने वाले हैं। इंटीग्रल ऑफ साइन की पावर 6 शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ प्लस कॉस की पावर 6 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एंड डी एक्स ऑब्वियसली। जी सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि हम इंटीग्रल को ब्रेक कर लेना चाहिए, जिसकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। राइट तो एंड चलिए अब हम क्या करते हैं, इसे इंटीग्रल ऑफ साइन की पावर 6 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस की पावर 6 अपॉन कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, एक ही बात है। साइन की पावर 2 साइन की पावर 4 हो जाएगा, कॉस की पावर 2 कॉस की पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए इंटीग्रल ऑफ साइन की पावर 4 अपॉन कॉस स्क्वायर, अब अगर मैं एक साइन को बाहर निकालू तो मैं इसको साइन क्यूब इंटू साइन लिख सकता हूँ, इसको मैं साइन क्यूब इंटू साइन लिख सकता हूँ, या फिर उससे भी बेटर मैं क्या कर सकता हूँ, या मैं उससे बेटर साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। यहाँ पे क्या हुआ,
इस साइन के पावर फोर को मैंने साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर लिख दिया, बिकॉज साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर साइन के पावर फोर होते हैं। अब इस साइन स्क्वायर को मैं वन माइनस कॉस स्क्वायर लिखूंगा, क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर। अब वन माइनस कॉस स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, जी हाँ बोलिए, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर तो हमारा है ही, तो ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपको देखने होगा टैन स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर। जी हाँ इसी तरीके से मैनिपुलेशन हम लोग यहाँ पे भी कर लेंगे। सो फाइनली फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, इंटीग्रल ऑफ टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, होपफुली आपको दिख रहा होगा, ये वाला नहीं दिख रहा होगा तो मैं इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनली आंसर आ जाएगा। और ये सारे क्या हैं बेसिक फार्मूलाज हैं, तो आप इन्हें बहुत ईजिली कर सकते हैं। ऑल राइट काफ़ी ईजी था, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी था बट ओवरऑल ईजी क्वेश्चन था। 23, 24, 25 are done and 26th question की और अब हम लोग चल रहे हैं। जी हाँ ओके, ये तो प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है, इसमें तो इंटीग्रेशन का होना भी नहीं चाहिए, क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा इस क्वेश्चन में। देखिए 26th करने वाले हैं, तो 26th के अंदर क्या है, सबसे पहले हम कॉस कहाँ गए कॉस 2x को हम लोग क्या लिखने वाले हैं इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x को लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस इसको कॉस स्क्वायर 2 अल्फा को क्या लिखने वाले हैं उसको लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन डिवाइड बाय कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। कॉस अल्फा फाइन, सो अब क्या करेंगे, अब हमें दिख रहा है यहाँ से डायरेक्टली कि वन और वन कैंसिल हो रहा है, वन और वन कैंसिल हो रहा है, बहुत बढ़िया, टू कॉमन आके बाहर आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा टू इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी सी ए माइनस बी कट जाएगा तो क्या बच जाएगा ए प्लस बी, तो टू इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर नहीं सिर्फ कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा एंड डी एक्स। अब कर सकते हैं हम बहुत इजीली कर सकते हैं, ये तो हमारा कॉन्स्टेंट ही है, तो यहाँ पे इंटीग्रल लगाएंगे जब, तो कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, जी हाँ कॉस एक्स का क्या हो जाएगा वेरी इजीली कर सकते हैं साइन एक्स, और प्लस कॉस अल्फा का इंटीग्रल क्या हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा बिकॉज ये बाहर आ जाएगा, और डी एक्स का इंटीग्रल एक्स तो एक्स कॉस अल्फा हो जाएगा। हमारा फाइनली आंसर क्या जाने वाला है टू सॉरी साइन एक्स प्लस एक्स कॉस अल्फा प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ऐसे देख लीजिए। ओके चलो ये हो गया ये हो गया ये हो गया एंड ये हो गया, फाइनली हम लोग करंट क्वेश्चन नंबर 27। एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा मुझे देखने से तो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का लग रहा है, एंड यस वही है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ज़्यादा क्वेश्चन है हमारा, जो टू साइन ए साइन बी वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारी लिखना होगी। 27th करने इंटीग्रल ऑफ एंड इंटीग्रल का साइन भी काफ़ी मुझे अच्छा नहीं बनता है, सॉरी अबाउट दैट। ऑलराइट इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। और राइट तो सबसे पहले हम 1 बाय 2 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 को अंदर ले आते हैं, तो 2 इसको हटा देते हैं, 2 साइन ए साइन बी, हमारा 2 साइन ए साइन बी क्या बनने वाला है गाइस, या फिर हम लोग साइन एक्स और साइन थ्री एक्स को मिक्स कर देते हैं, बिकॉज जब माइनस करेंगे तो साइन टू एक्स के कंबाइन होने का कुछ चांस लग रहा है, तो टू साइन ए साइन बी हमारा साइन थ्री एक्स बनेगा, तो हमारा क्या बनेगा
वन बाय टू इंटीग्रल ऑफ, हमारे यहाँ पर बन जाएगा कॉस 2x माइनस कॉस 4x, राइट, और साइन 2x dx, ये हमारे यहाँ पर बन जाएगा फाइनली। ऑल राइट, अब ये देखिए इंटीग्रेशन को मैं माइनस के बाद ब्रेक कर लूँगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 1 बाय 2 बड़ा ब्रैकेट ओपन इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x साइन 2x माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस 4x साइन 2x dx। अब इसका तो बहुत इजी है, आपको दिख ही रहा होगा 2 बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 2x बन जाएगा, साइन 2x क्या हो जाएगा, साइन 2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x बाय 2। तो हमारा फाइनली आंसर इसका, इस इंटीग्रेशन का क्या आ जाएगा, हाँ तो मुझे ओरली दिख रहा है 1 बाय 4 माइनस कॉस 2x, यही है हमारा क्या गाइस, जी हाँ आई गेस यही आने वाला है। ओके, अब इसमें देखिए दोबारा से हम 1 बाय 2 2 बाय 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अंदर लेके जाएंगे, अब 2 साइन कॉस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर वो साइन के अंदर आ जाएगा और फिर से सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजी है ट्रिग्नोमेट्री इसके आगे, तो 2 बाय 2 मैं आपको बताया था, 2 बाय 2 करेंगे, 1 बाय 2 बाहर छोड़ेंगे, 2 को अंदर लेके जाएंगे, अब 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, उसे सिम्प्लीफाई करेंगे और सब में इंडिविजुअल इंटीग्रेशन लगा के हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स का इंटीग्रल आ जाएगा। ये वाला तो हमने कर लिया है, जो ये वाला है आप 2 टर्म्स का इंटीग्रल करके आंसर बहुत ईजीली निकाल सकते हैं। मैं आपको आंसर लिख देता हूँ, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, क्या आने वाला है, तो साइन कॉस भी हमने लगाया, तो साइन 6x माइनस साइन 2x साइन माइनस कॉस 6/6। ओके, उसका फाइनल आंसर आ जाएगा, आई होप यही आ रहा हो, 1 बाय 4 तो पूरा हमने बाहर ले ही रखा था, एंड कॉस माइनस 4x बाय 4 माइनस कॉस 2x बाय 2 प्लस कॉस 6x बाय 6 प्लस सी, तो ये हमारा आपका आंसर आ रहा है, अगर बिल्कुल कोई भी गलती होगी तो सॉरी माफ कर देना, एंड आई होप यही हमारा आंसर आ रहा हो। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने ये 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, चलिए आगे चलते हैं। ऑलराइट ऑलराइट, तो जी हाँ गाइस, अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, जी हाँ मैंने आपको आज ही थ्योरी में बताया था कि हमको जरूरत नहीं पढ़ने वाली है, बट सीम्स लाइक आई वाज रॉन्ग, हमें कुछ स्पेसिफिक इंटीग्रेशन याद होने चाहिए, कोई बात मैं आपको अलॉन्ग द वे बता दूंगा, फॉर्मूला भेज दें 1 मार्क का, इसमें तो क्या ही होने वाला है, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16, 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, अब इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर और इसको एक्स स्क्वायर बोल देंगे, उसको क्या होता है टैन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, तो हमारा क्या देने वाला आंसर टैन इनवर्स एक्स बाय 4 प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया, वेरी गुड, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ओके 28 हुआ, 29 थोड़ी हुआ है, तो कर 29 में भी आई गेस कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कंप्लीटिंग स्क्वायर आई गेस में लगेगा, तो अच्छा पेन पेन लैग कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 8, एक्चुअली गिव मी अ सेकंड गाइस, मैं इसे प्लग इन कर लूँगा जिससे कि जो टेक्निकल एरर्स आ रहे हैं ये हमारे पास ना, होपफुली अभी बहुत ज़्यादा बेटर चलने वाला है, जी हाँ फील ही हो रहा है बेटर चल रहा है। सो हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 8, इसको मैं 2 इंटू 2 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, ये एक्स स्क्वायर से एक्स इधर आया और 2 किससे आया 4 से आया, तो इधर मैं 8 को मैं 4 प्लस 4 लिखूंगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 4 प्लस 4, तो हमारा क्या आने वाला है डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो हमें दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा टैन इनवर्स
एक्स प्लस टू, ये एक्स है, प्लस टू डिवाइड बाई टू, और इस पूरे का टैन इनवर्स प्लस हमारा सी, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, राइट। ओके 28 29 डन। 30 भी ऐसे करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। माइनस कॉमन लेके माइनस को बाहर कर दीजिए इंटीग्रल के, एंड देन हमारा आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5। सो हमारा प्लस 16 माइनस 6 में करेंगे तो माइनस 21 आ जाने वाला है, 221। ओके तो हमारा क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 21। तो 21 को क्या लिख देंगे, रूट 21 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा के टैन इनवर्स एक्स प्लस 4 अपॉन रूट 21 आंसर ले आएंगे। प्लस ये करना मत भूलिएगा, आंसर आ गया। जी हाँ, बहुत बढ़िया। ओके ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके फोर मार्कर्स, चलिए करते हैं इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ ए क्यूब माइनस एक्स। ऑलराइट, डी एक्स तो है ही हमारा, देखते हैं इसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 31। सो जी हाँ, अब मुझे कुछ लग रहा है यहाँ पे कि देखिए एक्स की पावर 3 है और ये स्क्वायर रूट है, तो ये इफेक्टिवली क्या होगा, एक्स की पावर 3/2, बिकॉज हम बोले तो ये ए क्यूब तो कॉन्स्टेंट है, राइट, ए क्यूब तो हमारा कॉन्स्टेंट है, वेरी वेल। सो क्या हो गया, तो हमारा क्या हो गया, अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें दिख रहा है कि जी हाँ ये आ रहा है एक्स के पावर 1/2, जब एक्स के पावर 3/2 को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्स के पावर 1/2 आता है, ऑब्वियसली आगे 3/2 भी आता है, बट पॉइंट इज एक्स के पावर 1/2 आता है। तो मैं मुझे दिख रहा है कि मैं यहाँ से ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ पूरे को, तो आई गेस ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब को हम टी स्क्वायर रख देंगे, करते हैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट, माइनस 3x² इज इक्वल टू 2t dt एंड हमारा क्या है यहाँ पे 1/2 पावर है, राइट, तो हम लोग सॉरी गलत कर दिया। तो हम लोग क्या करें, सिंपली x की पावर 3/2 को t रख देंगे, तो 3/2 x की पावर 1/2 dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। सो हमारा क्या आ जाने वाला है, देखिए ये dt हमारा ये आ जाएगा 2/3, तो हमारा 2/3 बाहर आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ, इस सब को रब कर रहा हूँ बिकॉज आई गेस ये काफ़ी ज़्यादा जगह ले रहा है। ओके ओके फाइन, तो 2/3 आ गया हमारा यहाँ पे, एंड सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमारे पास अंदर आ जाएगा डी टी अपॉन रूट ए क्यूब माइनस टी स्क्वायर। जी हाँ, ये यहीं तक था, अब मुश्किल जो भी था इसके बाद सब कुछ बहुत आसान है। अब इसको क्या लिख देंगे, देखो मुझे ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर की वाइब आ रही है, तो मैं ए क्यूब को क्या लिख लूंगा, मैं ए क्यूब को ए की पावर 3/2 का स्क्वायर लिख लूंगा माइनस टी स्क्वायर। अब हमें पता है इंटीग्रल ऑफ डी टी अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। जी हाँ, बहुत बढ़िया, हमने ये क्वेश्चन कर लिया। ओके एकदम से मुझे याद आया अभी कि जो तीन क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराए हैं इसके अंदर जो हमने फॉर्मूला यूज किया, हमने डायरेक्टली टैन इनवर्स एक्स टैन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी कर दिया, बट साथ में 1/a भी आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैं भूल गया था आप मत भूलिएगा, एंड बिकॉज मुझे एकदम से याद है बिकॉज साइन इनवर्स के साथ नहीं आता एंड टैन इनवर्स के साथ आता है, तो आप लोग इसके साथ इसके साथ आप लोग 1/4, इसके साथ 1/2 और इसके साथ 1/√21 लगाना मत भूलिएगा। ओके फाइन, लेट्स गो फर्दर, इसके आगे तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी है। साइन इनवर्स
टी अपॉन एक की पावर 3/2। टी क्या था हमारा, टी था हमारा जी हाँ एक्स की पावर 3/2, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 प्लस सी, आंसर आ गया गाइस। ओके बाय द वे गाइस, मैं जो रब कर देता हूँ, ये सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, मैं सारे जो स्लाइड्स रब कर देता हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए कि मैं सारे सॉल्यूशन जो लिखूँ उसका पीडीएफ आपको मिल जाए, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर हो सके तो, एंड काफ़ी मोटिवेशन मिलता है उससे। चलिए तो हमें अब करना है रूट टैन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। देखने से काफ़ी इजी क्वेश्चन लगता है, बट लेट्स सी 4 मार्क्स में आया है तो व्हाट डज इट हैव टू से। ओके मैं आपको उसका प्रोसेस बता देता हूँ कैसे होने वाला है। मैं रूट टैन का करके दिखा दूंगा, रूट कॉट आप खुद कर लीजिएगा बिकॉज ऑफ द टाइम इश्यूज ऑब्वियसली। इंटीग्रल ऑफ रूट टैन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ रूट कॉट एक्स डी एक्स। मैं आपको टैन का करके दिखा दूंगा, कॉट का जब उसका उल्टा ही होने वाला है तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे गाइस, राइट। तो मैं टैन एक्स को क्या कर दूंगा, टैन एक्स को मैं क्या कर देने वाला हूँ, ओके आई गेस मुझे इसको थोड़ा कंबाइन ही करना पड़ेगा बिकॉज आई थिंक इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, और इज इट, और इज इट, चलिए करते हैं। इंटीग्रल ऑफ रूट टैन एक्स डिवाइड बाई सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स। मैंने सेक्स स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर नीचे डेरिवेटिव बनाने के लिए, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, डेरिवेटिव है मेरा। सेक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 + tan² तो क्या आ जाएगा रूट टी अपॉन 1 + t² और ये डी टी हो जाएगा बिकॉज मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया। एंड अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे एंड आंसर मिल जाएगा, और इसको भी हम लोग अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे कोसेक स्क्वायर प्लस का माइनस करने के बाद ऊपर नीचे कोसेक स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड आई थिंक वी कैन प्रोसीड फर्दर इन दैट वे। अगर आप नहीं करना चाहते वो तरीका तो आप क्या कर सकते हैं, आई मीन टैन को साइन बाय कॉस लिख के साइन बाय कॉस का अंडर रूट और उसको माइनस कॉस बाय साइन का अंडर रूट, इसे सॉल्व करके मैनिपुलेट करके कॉस साइन में कुछ कुछ ला सकते हैं एंड तो उसके बाद उसे इंटीग्रेट करके हमारा आंसर आ जाने वाला है। बहुत ईजी आप लोग कर लेंगे इतना आई बिलीव यू ऑल गाइस। 33 करते हैं। 33 हमारा क्या कहते हैं, इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस 2 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx, ये हमारा क्वेश्चन यही क्वेश्चन है गाइस। सो क्या करेंगे इसमें, मैं आपको एक जनरल तरीका बता देता हूँ, कभी फेल नहीं होगा। जब भी आपका इंटीग्रल ऑफ लीनियर बाय क्वाड्रेटिक आ जाए तब क्या करेंगे, लीनियर को a इंटू डिनोमिनेटर का डैश प्लस b लिख देंगे, आंसर हमेशा आएगा ही आएगा। ओके देखते हैं इसे कैसे लिखते हैं, तो मैं क्या लिख दूंगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू इसका डिफरेंशियल, क्या होता है इसका डिफरेंशियल 4x प्लस 6 प्लस b लिख दूंगा। अब कोएफिशिएंट कंपेयर करने से मुझे दिख रहा है कि a की वैल्यू 1/4 आने वाली है एंड 3/2 प्लस b इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा 4 एंड 1/4 आई गेस हमारे यहाँ पे वैल्यू आ रही है। ओके a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 1/4 एंड b की वैल्यू क्या आ रही है तो जाके हमारा 1/2 आ जाएगा। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एंड आ जाएगा, श्योरली आ जाएगा कोफिशिएंट कंपेयर करने बेसिकली।
वेरी इजी आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 1/4 एंड बी इज इक्वल टू 1/2 हमारा आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1/4 4x+6 प्लस 1/2 डिवाइड बाय 2x² + 6x + 5 डी एक्स। अब देखिए इस प्लस के अबाउट में क्या कर लूंगा, इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लूंगा। तो देखिए 1/4 बाहर आ जाएगा, f डैश अपॉन f क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ln f आ जाएगा 1/4 ln mod 2x² + 6x + 5 राइट, प्लस 1/2 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। क्या करेंगे, कंप्लीटली को स्क्वायर करके टैन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। वेरी इजी, टैन इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर हमारा आ जाने वाला। ओके चलिए इसे रख कर देते हैं एंड इसे भी हम लोग, ओके वेयर इज द इट इज, तो हमने ये वाले सारे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। ओके गाइस बहुत बढ़िया, सो चलिए एंड आई थिंक हम लोग आज इतना ही करते हैं, बिकॉज आज थोड़ा ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस हो गए थे, थोड़ा टाइम लग गया। मैं आज चाहता नहीं कि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो, तो मैं इसके दो पार्ट कर दूंगा, जिससे कि आपको इसको देखने में बहुत ज़्यादा ईजी रहे। एंड फ्रेंड इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए इफ पॉसिबल, बिकॉज ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ये यूट्यूब पे पहली बार कोई कर रहा है, किसी ने नहीं किया है। पूरे 10 ईयर्स के PYQs, 10 ईयर्स इन द सेंस हमारे पास 2010 से लेकर 2019 के 10 ईयर्स के हमारे पास CBSE के मैथ्स के पेपर हैं। तो मैं सारे चैप्टर से प्रीवियस सॉल्यूशन डालने वाला हूँ। ये यूट्यूब पे पहली बार कोई कर रहा है इतना बड़ा एफर्ट, तो आप प्लीज़ इसे अप्रिशिएट करिए एंड शेयर कीजिए, दैट वुड मोटिवेट मी टू डू मोर सच थिंग्स। इसके साथ सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय।